नमस्कार दोस्तों, आरसीएन जॉब न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न भर्तियों से संबंधित जानकारी दी जाती है। कोई भी जानकारी हो सही एवं संक्षिप्त में देने का प्रयास किया जाता है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पे चल रहे धरना प्रदर्शन के बारे में। अभ्यर्थियों की हुकार आज होगा आर या पार। आप सोच रहे हैं कि किस भर्ती के लिए धरना प्रदर्शन चल रहा है? आखिरकार इतने अभ्यर्थियों का हुजूम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर क्यों एकत्रित हुआ है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2016 में बीडीओ के 3133 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था। उस समय सपा का शासन काल था, लेकिन 2017 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ, बीजेपी की सरकार आई, तो इसी भर्ती को पूरी करने के लिए हिल्ला हवाली किया जाने लगा। इस पर विजिलेंस की जांच बिठा दी गई। लंबे समय के बाद विजिलेंस की जांच रिपोर्ट आई और इस भर्ती को क्लीन चिट मिला। उस समय उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष माननीय पालीवाल जी थे। बहुत ही अच्छे, बहुत ही ईमानदार छवि के अध्यक्ष थे और उन्हीं के शासनकाल में यह भर्ती पूरी हुई। लेकिन जब भर्ती पूरी हुई और अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया, उस समय लगभग 550 के करीब सीटें खाली रह गईं। उन्हीं खाली सीटों पर उन अभ्यर्थियों के चयन की मांग की जा रही है जो सेम कट ऑफ या सेम कट ऑफ से एक नंबर कम है। अगर 550 सीटें भर जाती हैं तो कम से कम एक से दो नंबर मेरिट कम हो सकती है और उन अभ्यर्थियों की जिंदगी बन सकती है जिन अभ्यर्थियों का चयन एक या दो नंबर से नहीं हुआ है। तो आप सभी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का नज़ारा देख रहे हैं कि अभ्यर्थियों का हुजूम जुटा हुआ है। अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट की मांग कर रहे हैं। कोर्ट के द्वारा आर्डर भी आ चुका है, सिंगल बेंच का ऑर्डर है, डबल बेंच में भी केस चल रहा है। देखना होगा जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर धरना प्रदर्शन चल रहा है उस पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष का क्या कहना है, क्योंकि अभ्यर्थियों की मांग है कि अध्यक्ष से उनकी मुलाकात कराई जाए।